और उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि मेरी दो बेटियां जो हैं छोटी, वो बड़ी बेटी मेरी इज इन स्टैंडर्ड टू और जो ओके छोटी बेटियां हैं वो प्री नर्सरी और नर्सरी में है। माशाल्लाह, तो पहले एक को छोड़कर आती है बड़ी को, फिर घर आती है। आप मुझे मसले बता रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि आपको टाइम है, आप कभी मतलब लंच पे जाते हैं, कभी डिनर पे जाते हैं? भाई नो कॉल्स टुडे, आज मेरी बहन को खाने पे लेके जा रहा हूँ वेडिंग एनिवर्सरी पे। आर यू रोमांटिक बाय नेचर? यस, वेरी रोमांटिक बाय नेचर बट वेरी पुअर इन एक्सप्रेसिंग रोमांस। ये आई फाइंड सारे पॉलिटिशियन में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नहीं नहीं बहुत सारे मैं आपको दिखा सकता अच्छा, हूँ कौन जिन्होंने चार शादियों पे बड़ी बमुश्किल इक्तफा किया है। चलो ठीक है, ओके वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड उसके बाद हम अपने जो आज शाम के जो दूसरे मेहमान हैं उनसे हम मिलेंगे। शी इज बिन अ मॉडल, शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज एन इनक्रेडिबल वुमन, माशाल्लाह बहुत ही हसीन है और लेकिन इट्स नॉट जस्ट हर ब्यूटी, शी इज गॉट ब्रेन्स एज वेल। इनसे हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस, यू आर वाचिंग नो रिजर्वेशन। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग नो रिजर्वेशन, मैं हूं आलम खान और अब वक्त है हमारे सेकंड मेहमान से मिलने के लिए। और ये एक ऐसी खातून है जो वाकई में अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछें, शी सच अ ब्लंट अपफ्रंट पर्सन के वो बिला झिझक जवाब देती है एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक अबाउट हर। आई एम टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट जाले सरदी। हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। अभी जाले, आपके बारे में अभी तक जब लोग आपको देखते हैं आपकी पहचान जो है अभी तक शादी ऑनलाइन से है। इज इट नॉट द मोस्ट irritating thing in the world? It is, especially when I get accosted in public. और वो सारी मेरे बेटा जो ना उसके अभी तक शादी नहीं हुई। तो आप दो तरह की होती है, एक तो ये थी ठीक है मेरी कजन है तो मेरी खाला है तो फलाना, और अभी होती है टक, इट इज द सेम, इट्स हिलेरियस बट इट इज। एंड दूसरी तरह की जो है एक और जॉनरा जो है वो मुझे कंडेम करता रहता है, मतलब फुल फ्रंटल कंडेम जो होता है वो, मतलब लाइक तुम्हें शर्म नहीं आती तुमने लड़कियों को सामने बिठा के उनसे ऐसे सवाल पूछे, इसका क्या बेहूदा प्रोग्राम तुमने होस्ट किया? एंड आई एम लाइक आई एम जस्ट अ होस्ट, आई एम नॉट द शादी करवाने वाली आंटी। और वो मुझे यही समझते हैं। इनफैक्ट वो जमाने में यूनिवर्सिटी में होती थी तो मुझे तो बहुत लोग पकड़ते ओ माय गॉड। और मैंने फिर एक साल किया था उसके बाद नहीं किया, और अब मैं बिल्कुल उससे तो इनफैक्ट ये भी पूछा कि यू गॉट मैरिड तो शादी ऑनलाइन से आपको इतनी बड़ी सॉरी लूजर हूँ कि मैं 7 साल छोड़ने के बाद प्रोग्राम तब भी उनसे रेफर कर रही हूँ। अच्छा ओके, ठीक है, शादी के बारे में बात हो रही है अभी मुझे फैसला साहब से एक बात पूछनी है, आपकी शादी लव मैरिज थी अरेंज? आई हैव टू आस्क दिस, आई एम सॉरी। नहीं, हमारी हरकतें ऐसी नहीं कि हम अरेंज मैरिज करते। आई लव इट, आई लव इट। ओके फाइन, गुड, थैंक यू फैसला साहब। आप पे हम फिर से थोड़ा सा आएंगे लेकिन फर्स्ट अभी जस्ट आस्क अबाउट जाले। जाले शादी ऑनलाइन के बाद आप दुबई चली, आप एकदम से गायब हो गई, यू वेंट ऑफ टू दुबई। आई नो एक्चुअली, और आप वहां से कुछ काम करने लग गई? मैंने हाँ दुबई में काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए थे एक साथ, और शादी ऑनलाइन छोड़ना मेरे लिए एक्चुअली वाज वेरी लकी। ओके, आई डिडंट लीव शादी, आई गॉट किक्ड आउट ऑफ इट। व्हाई? यू प्लीज टेल द स्टोरी, यू वांट टू नो व्हाई डिड यू किक आउट? आई डिडंट नो, आई वाजंट गिवन अ रीजन, आई वाज जस्ट गिवन अ कॉल एंड आई वाज ओके विद मी, क्योंकि मैं अपने थीसिस कर रही थी उस जमाने में और शादी ऑनलाइन लाइक मेजर इनकम मेरे लिए, तो मेरा सारा उसमें जाता था थीसिस right. में हाँ. मेरा फाइन आर्ट्स में था तो खूब सारे पैसे भी चाहिए होते थे राइट। सो दे आई जस्ट कॉल एंड मेरा फ्रेंड दोस्त था जो डायरेक्ट कर रहा था समी, कॉल्ड एंड सेड आई एम सॉरी बट यू विल नो लॉन्गर बी होस्टिंग द शो। मेरा ना लिटरली ये रिएक्शन था, व्हाट, क्यों, मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम? हाँ. यार बताया नहीं उन्होंने, क्या प्रोड्यूसर्स ने कहा सब तुमने, दैट वाज इट। उसके बाद मुझे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी सुनने में आई, आई डोंट नो शेयर देम रियली, कॉन्ट्रोवर्सीज आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी यू नो बेसिस फॉर देम, और कोई प्रूफ नहीं है मेरे। रूमर्स क्या थी? रूमर्स ये था कि दे डिडंट लाइक माय एटीट्यूड। व्हाट योर एटीट्यूड? आई यूज्ड टू कम शूट एंड गो स्टडी, आई डिडंट सिट विद एनीवन, चैट विद एनीवन। पीआर नहीं? पीआर नहीं थी वो बिल्कुल, मतलब कोई सोशलाइज नहीं किया। यस यस, आई नो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स वेरी वेल। आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस मीडिया के साथ आपको लगा कि अगर पीआर नहीं हो तो फिर, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज पीआर? एक्जैक्टली, पीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पीआर इन एमसीएम, मीडिया से पीआर मेरी ही जिम्मेदारी है। इट्स वेरी, किसी चैनल के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस? बहुत बुरे हैं बात चैनल के साथ जिनके साथ आपके, फिर हमने कोशिश ये की हमारे साथ नहीं हुई ना, नहीं अच्छा। मैं हर चैनल पे जाके यही कहता हूँ। नहीं आपके साथ नहीं, दूसरे हैं। नहीं तो हमने वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, ओके कि आप अगर कोई बहुत ही वेनमस भी आ जाता है
तो आप उसका वैनम कम करें, हाँ. उससे बात करें, आंख में शर्म हया लिहाज आ जाती है मिलते रहने से, बातचीत करने से. ओह वेरी गुड. अच्छा, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, जो अभी हमने ब्रेक के दौरान ये बात हुई थी कि यू प्रोड्यूस अ प्ले एज वेल. यह टेलीफिल्म 24 घंटे. आप एक आर्टिस्ट टाइप इंसान भी है. आई यूज टू राइट म्यूजिक के ऊपर मैं लिखता था और फिल्म पढ़ना चाह रहे थे तो और शायरी तो हर सारे के सारा सिलसिला था, लेकिन बस गमे इश्क के साथ साथ गमे रोजगार भी होता है. अच्छा, आपसे ये सवाल पूछना है, अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ठीक है, और जिन लोगों के साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस था, तो आप बोल सकते हैं आपको याद है क्या हुआ था पिछले 5 साल पहले? तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया घर से, तो गिरफ्तार कर दिया. खैर, माई फादर वॉज वेरी एंग्री बिकॉज आई वॉज हैंडकफ्ड और मैं वहां बैठा था पुलिस स्टेशन में. तो माई फादर केम टू मी एंड सेड के मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि तुम्हें ये हथकड़ियां लगे. तो माई रिप्लाई वॉज अब तो मैंने ये कहा, मैंने कहा मैंने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं. फिर somehow his friends came into the scene, my father's, और उन्होंने negotiation की उस पुलिस ऑफिसर से कि भाई क्योंकि there is no FIR against फैसल साहब, तो कुछ ले दे के मामला तय कर लिया है. उस वक्त मेरी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुई थी, आई वाज सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ एपीएमएसओ, बट दे टुक मी एज बस हल्ले में नहीं उठा लेते, मेरे छोटे भाई के लिए रेड किया था, छोटे छोटे तू भी आ जा, तो मुझे भी ले गए. तो उन्होंने कुछ उनसे बार्गेनिंग कर ली और ले दे के मुकमुका हो गया. ठीक, मुकमुका तो हो गया. इस्तीफाक से द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 2002 द पार्टी गिव मी provincial assembly ticket from that particular Gulshan Iqbale. Oh, and that SHO was posted. He met me and I just asked him, do you remember me? He said, yes sir, hum kaise bhul gaye. Then I go, okay fine, go ahead. Uske baad koi baat nahi. Ronte khade ho gaye honge, you know, he must have gone, oh my god. Because nobody could have imagined. Actually, that laugh was a very easy laugh. I was just 6 years old and just a very ordinary chap, which still I am. Lekin us waqt, since I've told you that I was the youngest candidate of MCA, so nobody could have imagined in just one year back, ki yaar isko kidhar, agle saal main MP saab ban ke aa gaya wahan. Honestly speaking, matlab theek hai, I'm honestly speaking. मजा तो आया था ना when you gone, honestly. I'm not a vindictive guy at all. No, it's not vindictiveness. It's about being victorious. No, victory to me is something else. Victory to me is. आप जो सियासी बातें नहीं हैं. Believe you me. No reservation बना किया करें. It's my nature. Believe you me. I'm not that kind of guy. I'm not a very good. I'm not a very good administrator. क्यों? इसी वजह से कि मुझे लोगों के लथरॉल करने में जो है ना बहुत टाइम लगता है. बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो मेरा बहुत बड़ा हुआ, मैं बहुत ऊपर जाके जो है ना मेरा पारा चढ़ता है. ओके फाइन, आई विल. मैं बिल्कुल ही डिसएग्री करूंगी. जाहिर है मुझे मिल जाती है ऐसी पोस्ट, थैंक गॉड नहीं मिली, तो मैं तो फुल फायदा उठा. इसलिए हमें इस तरह की पोस्ट नहीं मिली. फॉरन 5 मिनट के अंदर लथरॉल करते हैं. अब ये बताएं कि यूर मदर नाउ, जब एक औरत एक माँ बन जाती है बहुत से चेंजेस आते हैं मेंटली, यू नो, यू जस्ट ग्रो एज अ पर्सन. सबसे बड़ी चेंज आई आपकी जिंदगी में, ऑफकोर्स हैव योर चाइल्ड, बट टू योर सेल्फ एज ह्यूमन बींग, वो आप कैसे डिफाइन करेंगी? I think it would be, I wasn't very organized before, and now I've you know learned to be more responsible for a whole lot of things which I wasn't. मैं इतनी meticulous नहीं होती थी चीजों के बारे में जितनी अब हो गई हूँ. I used to be very frivolous, which has gone away now, thank God, because that wasn't an asset. I thought कि मैं patient हो गई हूँ, लेकिन नहीं. अच्छा, patience has just doesn't come to me. So I think ये सबसे बड़ा change है. Plus I think I'm more grounded.
फॉर सम रीजन, जो बहुत सारी चाहते थी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो थोड़ा कम हो गया है. प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, पहले चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी शायद वो अब इतनी अहम नहीं लगती. बैक सीट दे दी उन्होंने. ओके, सो फॉर मी माय प्रायोरिटी इज आई एम नॉट सेइंग के एंड इनफैक्ट ऑल वर्किंग मदर्स शुड नो के यू हैव टू बी इम्पोर्टेंट टू योर सेल्फ फर्स्ट. Yes. Because if you're not, you have to be a role model to a child. I always say a happy mummy means a happy house. Yes. Completely. Because if maa khush nahi hai na, to fir kuch bhi khush nahi hai. Pure ghar ko wo miserable karenge. Beta jao, jabahu bhi aa jao aur bachche bhi aa jao, you know. Sahi baat hai. And there was workshop hai aapka dimag, agar aap kaam karne wale aur aap farig baithe hain, then your mind is completely playing havoc. So you should work, but you should have a balance, which I think I have found in the last year. Okay, well done. Aisa aap apne bachchon ki maa ko khush rakhte hain? I try. Happy mummy is a happy house. Exactly. और मैंने बड़ा सीखा है आपके इस जुमले से. हाँ. नहीं.